ये दिन है इस टूर्नामेंट का और क्या शानदार आयोजन यहाँ पर हुआ है, जिसको स्पॉन्सर किया है यहाँ पर आदित्य फार्म ने और को स्पॉन्सर्ड बाय रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स। बहुत ही शानदार यहाँ पर यह आयोजन और यह मुकाबला आज के दिन का सेकंड लास्ट मुकाबला यहाँ पर जारी शुरू हो रहा है यहाँ पर। और बता दूं आपको, अब यहाँ पर सिर्फ दो टीमें नहीं खेल रही, यहाँ पर बहुत सारी टीमें ये देखने के लिए आई है, ये हारेंगे तो हम अंदर, वो हारेंगे तो हम अंदर, इनका ये उनका वो, ये दो टीमों का मुकाबला नहीं रहा, ये पूरा टूर्नामेंट अब इस पर डिपेंड हो चला है, इफ एंड बट्स पे अब हम आ चुके हैं। ये मुकाबला शुरू हो रहा है, आशी बॉलिंग करेंगे यहाँ पर नितिन के लिए। पहली गेंद पहली गेंद यहाँ पर, और सागर वहां पर है, नितिन नहीं, जर्सी वाली वहां पर नितिन नाम की हो, सागर उस जर्सी के अंदर खड़े हैं। पहली गेंद, पहला रन, फुल टॉस बनाते हुए खेला, गेंद गई है ऑन साइड में, लेग साइड के जाने भी इसे खेला था, एक और रन यहाँ पर जोड़ा जाएगा, स्कोर मूव्स टू टू। हेलो, चेक, फिर से एक बार फुल टॉस बनाते हुए खेला था, नो बॉल इज द कॉल। और अब रन संख्या जा पहुंची है, चार रनों पर जा पहुंचेगी, क्योंकि नो बॉल और साथ में एक सिंगल भी वहां पर बटोरा है। ये गेंद ड्राइव कर दिया है वहां पर, लॉन्ग ऑफ के जाने गेंद गई, उसे फील्ड किया, जब तक थ्रो किया, एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा। आशिका अब तक ये अच्छा ओवर साबित हुआ है, कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की है, वाइड यहाँ पर आ जाएंगे तो दो एक्स्ट्रा यहाँ पर। कुलदीप थोरात अपन जेथे कोटे असाल कमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क करायचा आहे। और अभी कुलदीप थोरात संतोष दादांना भेटायचे, संतोष जप्तरी, चार रन यहाँ पर, जसचील का जो बैनर है उससे जाकर यह टकराई, चार रन मिल जाएंगे। फिर एक बार और यह डबल बैट हो गया था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद वहां पर सीधा बाहर नहीं चली गई, एक रन वहां पर मिला सागर, हालांकि दूसरा रन जरूर चाहते थे। ओवर की हुई समाप्ति, आशी का ये ओवर समाप्त हुआ और शायद अब स्कोर मैं पूछना चाहूंगा हमारे साथी स्कोरर राकेश, हमें जानकारी दे रहे हैं ओवर शायद समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जी ओवर समाप्त नहीं हुआ है, स्कोर 11। हेलो हेलो, कुलदीप थोरात, कुलदीप थोरात कुठे आहेत, कुलदीप थोरात, कुलदीप थोरात कुठे आहेत, कुठे थोरात, डॉट बॉल हो जाएगा। सिलेक्टेड बॉक्स क्रिकेट लीग 2021 यहाँ पर जारी है और यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का मैं ज्ञानेश्वर नरोड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आयोजकों की ओर से हम आपका आभारी व्यक्त करते हैं कि आप और संख्या में यहाँ पर आइए, इस मुकाबलों का आनंद लीजिए। बड़े शानदार मुकाबले अब कल से और अभी से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ये डू और डाई मुकाबले है। अगली ओवर यहाँ पर शुरू हो रही है, दूसरा ओवर यहाँ पर बैकफुट पर जाकर ऑन साइड के जानिब खेला था, उदय वहां पर मौजूद है, उदय ने अच्छा रोका और एक ही रन से करना होगा संतुष्ट। विजय गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद और यह भाग्यशाली रहे कि अंतिम क्षणों में बल्ला जो है नीचे आया, नहीं तो यह गिल्ली अभी खेर देती गेंद, एक और रन का इजाफा यहाँ पर हो जाएगा और अतुल जो विकेट कीपर थे शायद अब कुछ संकट में नजर आ रहे हैं, गेंद को पकड़ते समय ऑफ बैलेंस हो गए थे।
कृपया कॉमेंट्री बॉक्स पासून बाजूला सरकायचं आहे भैया भैया अरे बापरे अगली गेंद चिरमाडे सुपर किंगचे महेश चिरमाडे ये देखना होगा जी बिल्कुल बिल्कुल अभी दिया है आउट दिया है कॅप्टन महेश चिरमाडे यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे रनआउट के रूप में खोया है ये विकेट पहले विकेट का पता नहीं यहां पर होता हुआ रन संख्या है 17 रन और 17 के स्कोर पर ये खतरा मंडराता हुआ तो जैसे कि हमारे टूर्नामेंट का रूल है कि पहले तीन जो खिलाड़ी आते हैं बल्लेबाजी के लिए उसमें से एक फीमेल क्रिकेटर का होना जरूरी है वही यहां पर होता हुआ अब यहां पर बल्लेबाजी के लिए पूर्णिमा इनको भेजा है ये गेंद अच्छी और ये और खतरा हो सकता है विजय इन्होंने गेंदबाजी मार्ग पर जाने के लिए दौड़ लगाई थी ना कि रन आउट के लिए शायद आउट करने का इरादा नहीं है एक ओवर की हुई समाप्ति एक और ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ और स्कोर बहुत चला है हमारे साथी स्कोर और अजय टोन पे बता रहा है कि 11 रन हो चला है 18 वही पहले ओवर में 11 थे अब 18 हो चला है स्कोर राजेश करेंगे गेंदबाजी अगले ओवर की अगले ओवर का अब जब खेल शुरू हो रहा है राजेश इनको आमंत्रित किया है गेंदबाजी के लिए ये गेंद शरीर पर लेते हुए से खेला था नितिन ने और एक और रन यहां पर बटोरा है अगली गेंद हम बढ़िया ढंग से खेला है उदय वहां पर मौजूद और समय रहते उदय ने इस गेंद को पकड़ा और रिटर्न किया एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा ये गेंद जमीन पर पटक कर जोर से शॉट लगाने का प्रयास था वहां पर एक और रन का इजाफा कर देगा ये शॉट रन संख्या जहां पहुंची है 21 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर ये गेंद पटकी हुई गेंद जिसे वन फॉर दी ओवर और ये 4 रन हो जाएंगे ये 4 रन कैसे हो गए इतनी धीमे ये गेंद ट्रेवल कर रही थी फिर भी 4 रनों पर जा पहुंची है वन फॉर दी ओवर भी हो गया है तो इस प्रकार की गेंद अगर दोबारा होती है तो नो बॉल कॉल दी जाएगी और यहां पर रन चाह रहे थे शायद सागर लेकिन नहीं डॉट बॉल हो जाएगी अगली गेंद फिर एक बार हवा में और कॉट एंड बोल्ट का मौका और लपक लिया राजेश इन्होंने विकेट का होता हुआ पतन पूर्णिमा इनको अब आउट होकर पवेलियन की ओर जाना होगा अगली गेंद तो यहाँ पर अगला ओवर शुरू हुआ है और संभवतः यह चौथा ओवर अब यहाँ पर शुरू हुआ है और रन संख्या अब जा पहुंची है 26 रनों पर ये मुकाबले बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले होने वाले हैं अगली गेंद अच्छी गेंद और यहां पर बिल्कुल
रिस्क फ्री क्रिकेट इसे कहते हैं कि जमीन के सहारे खेलिए और सिंगल डबल बटोरिए। एक और रन यहां पर जुड़ जाएगा। बढ़िया गेंद, और यहां पर ये क्या था, ये पार्क में टहलने आए जैसा हो गया। कॉल आया या नहीं आया अब ये तो यहां पर समझ नहीं आया, लेकिन दोनों जो खिलाड़ी थे वो एक ही छोर पर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर गिल्लियां बिखेर दी, विकेट का होता हुआ पतन। और इतने महत्वपूर्ण मैच में, एक मुकाबले में, अपने अच्छे बल्लेबाज रनआउट के रूप में खो रहे हैं यहां पर रेणुका शाइनर्स। ये अगली गेंद, क्लीन हिम अप विथ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, व्हाट अ बॉल दैट वाज, बेहतरीन गेंद, कोई क्ल्यू नहीं था उस बल्लेबाज के पास इस गेंद पर, क्या करे, बैकफुट पर चले गए थे, वहां पर मानो ऐसा लगा कि प्लेस करना चाह रहे हो थर्ड मैन एरिया में, लेकिन जब तक उनके दिमाग में ये सब कुछ आता, गिल्लियां बिखेर दी थी गेंद ने। प्रथम गेंदबाजी कर रहे हैं और कितनी शानदार गेंदबाजी की है प्रथम, बहुत बढ़िया ये गेंद, और जब तक बल्ला नीचे आता ये गेंद विकेटकीपर के हाथों में समा गई थी। एक और डॉट बॉल, अगली गेंद यहां पर, अच्छी गेंद और डबल बैट वहां पर हुआ था और सीधी गेंद गई प्रथम के हाथों में। बहुत ही शानदार ओवर यह घट रहा है प्रथम द्वारा। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया और प्रथम के इतने शानदार ओवर को ये चार रनों की नजर लग गई। 22 के रूप में चार रन मिलेंगे, लेकिन इससे खुश होंगे जरूर बल्लेबाजी करने वाली टीम, क्योंकि बहुत देर से रनों का अकाल सा गिर गया था। चार रन 22 से आए, लेग 22 से आए, बल्ले से आए, बैटिंग टीम रन जरूर चाहेगी, जैसे आए तैसे आए। यह है प्रथम अग्रवाल का बॉलिंग स्कोर, देखिए आप, एक ओवर किया है, एक ओवर में एक रन एक विकेट। ये जो रन 22 के आएंगे वो गेंदबाज के खाते में नहीं जाते हैं, इसलिए प्रथम के खाते में वो नहीं गए। प्रथम ने गेंदबाजी में केवल एक रन दिया, एक विकेट चटकाया, टेक अ बाउ प्रथम। ये गेंद एक ही रन देकर जाएगी और ये गेंद रन संख्या को भी आगे बढ़ाएगी। अब नए गेंदबाज वहां पर आए हैं और रन संख्या को अब जा पहुंचाया है। रन संख्या है अभी रन 33 रन 33। अगली गेंद यहां पर कुछ क्षणों के लिए खेल रुका था और यहां पर प्रयास था, पटकी हुई गेंद थी तो जमीन से लगकर इसे मारने का प्रयास था। ये खराब गेंद, सही नसीहत सही नतीजा, अतुल गेंदबाजी कर रहे हैं और यहां पर खराब गेंद की और बल्लेबाज को मौका दिया अपने हाथ खोलने के लिए।
अतुल, और क्या बात है, क्या बात है, यही करना होगा अगर आपको रन बटोरने हैं, यही रणनीति आपको काम आएगी। ये नहीं करना था, हम कह रहे थे यही करना है, तो हल्का सा वो और ज्यादा जोर से लगा दिया उन्होंने, माइनस चार करके चले गए। तो अब ओवर हो चली है, अब मैं हमारे साथी स्कोरर इनसे पूछना चाहूंगा, पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 38 रन, तो बाय डिफॉल्ट ये आखिरी ओवर हो जाएगा पावर ओवर। और पावर ओवर में क्या हो सकता है अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं, आज दोपहर के सत्र में एक मुकाबला हुआ जिसमें जो बैटिंग साइड थी वो काफ़ी लड़खड़ा गई थी, चार ओवर में 26 रन थे, अचानक वहां पर पावर ओवर आता है, पावर ओवर में 48 रन बनाए जाते हैं, 48 नो लेस 48 रन वहां पे बनाए जाते हैं और वो टीम वो मुकाबला जीत जाती है। तो ये है पावर ओवर का पावर, इसलिए उसको पावर ओवर नाम दिया है। अजय अग्रवाल काफी अनुभवी गेंदबाज, हल्के हाथों से खेला, उदय वहां पर एक रन मिलेगा, एक के हो जाएंगे दो। तो एक और रन, एक और रन आएगा, इसका मतलब ये हो जाएंगे दो। ये गेंद इतनी स्लो आई कि हर्षल रहा देखते देखते थक गए थे, कनेक्शन वहां पर नहीं हुआ, लेकिन ये वाइड थी तो वाइड के भी दो रन यहां पर मिल जाएंगे। ये गेंद फिर एक बार, अच्छी रणनीति वहां पर अपनाए हुए है अजय अग्रवाल, स्लोअर गेंदे कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद और यहां पर ये रुकनी चाहिए थी, तो 22 के रूप में ये रन आएगा और एक के हो जाएंगे दो, क्योंकि ये पावर ओवर है। लेकिन यहाँ पर तारीफ होगी गेंदबाजों की, अभी तक तो बांधे रखा है पूरे छह ओवरों में। ये अच्छा शॉट और ये चार भी हो जाएगा जी, बिल्कुल ये काम आएंगे, ये बहुत काम आएंगे ये रन, चार नहीं ये सिर्फ ये आठ रन है। और यहां पर ओवर की होती हुई समाप्ति, तो अब चलिए जायजा लेते हैं क्या हुआ है टोटल स्कोर। तो छह ओवर जब समाप्त हुए हैं, छह ओवरों की समाप्ति के बाद रन संख्या है, मैं आपको कुछ क्षणों में बताता हूं, यह टैली हो रहा है। एक मिनट, तो स्कोर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, छह ओवरों में निर्धारित बने हैं 56 रन 56, तो जीतने के लिए बनाने होंगे 57 रन। और अब हम चलते हैं जो अगला मुकाबला यहां पर होने वाला है, के नाइट राइडर्स वर्सेस चिरमाड़े सुपर किंग्स, दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि आप कृपया टॉस के लिए आ जाए।
अभी हेलो हेलो अगला टॉस चेन्नई सुपर किंग वर्सेस आरके नाइट राइडर्स चिरवाड़े। अगले टॉस के लिए मैं आरिफ भाई और उनके परिवार को टॉस के बॉस के पास बुलाना चाहता हूँ। आरिफ भाई और उनका परिवार आइए आइए इधर से। ए आजा बेटा टॉस चलो हेलो। ये देखो ये टेल है और ये हेड है, कौन बोलेगा चलना है आपको? चिरमारे सुपर किंग बोलेंगे, बोलिए। हेड इज द कॉल एंड इट इज हेड। चिरमारे सुपर किंग विन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ऑल द बेस्ट बोट टीम। कमेंटेटर 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 इसके बाद विजय विकिंस अपने ओपनर भेजिए। आज की और लीग की लास्ट मैच सर्वांना एक विनम्र सूचना आहे, मागे मंडपात जेवणाचं व्यवस्था चालू आहे। सर्व ज्या खेळाडूंना आणि खेळाडूंच्या परिवारांना जेवणासाठी जायचं असेल ते जाऊ शकतात। चेक 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 हेलो हेलो चेक और चेज यहाँ पर शुरू हो रहा है। Here we go, chase begins. ध्रुव और उनके साथ में आए बल्लेबाजी के लिए आए हैं पूजा।
और अब बिन बुलाया मेहमान और हेलो चेक चेक सर्व खेळाडूंना आणि त्यांच्या परिवारांना विनंती आहे की जेवणाचा जो काही बॅक स्टेजला व्यवस्था केलेली आहे ती सुरू करण्यात आलेली आहे तर आपण जेवणाचा आनंद घेऊ शकता जेवणासोबत सामन्यांचा सुद्धा आनंद घेऊ शकता सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे सर्व खेळाडूंना त्यांच्या परिवारांना की आपण जेवणाचा आस्वाद घेऊनच इथून जायचंय आणि आपण हा सामना सुरू करतोय चेज पहिला चेंडू आणि बॅक टू द बॉलर हा खेळलेला आहे ध्रुवने डॉट बॉल उत्कृष्ट फटका एकच धाव जरूर मिळेल परंतु जो फटका त्या ठिकाणी खेळला आहे ध्रुवने उत्कृष्ट ज्याला ड्राईव्ह म्हणतात कवर ड्राईव्ह प्रॉपर क्रिकेटिंग बुक शॉट आणि आता फलंदाजीकरिता प्रथमच या सामन्यामध्ये पूजा मॅडम हा चेंडू सरळ हवेत गेलाय स्वतः गोलंदाज आणि उत्कृष्ट झेल गडी बाद पहिला झटका या ठिकाणी लागतोय तिसरा हा चेंडू होता या षटकातला आणि या तिसऱ्या चेंडूवर पहिला गडी बाद धावसंख्या आहे एक रन एक धाव एक गडी बाद और उदय अब यहाँ पर आए हैं ध्रुव का साथ देने ये पहला ही ओवर है 57 रनों का लक्ष्य है ये गेंद और ये अच्छी गेंद किस चीज की मांग कर रहे हैं डेड बॉल कॉल किया है डेड बॉल स्कोरर्स डेड बॉल कॉल किया है ये गेंद अच्छा ड्राइव वहां पर और अच्छा रोका एक ही रन उदय अपना खाता खोलते हुए रन संख्या को आगे बढ़ाते हुए जा पहुंचे हैं दो रनों पर ये पहला ओवर है 57 रनों का लक्ष्य का पीछा यहां पर जारी है ये गेंद और यहां पर अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा रहेगी और वाइड का इशारा इसी बीच आता हुआ तो एक और रन यहां पर जोड़ा जाएगा रन संख्या में 3 रन फिर एक बार कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा है सागर वहां पर मौजूद है और एक ही रन यहां पर मिल पाएगा रन संख्या 4 रन एक विकेट के नुकसान पर जबकि पहला ओवर यहां पर जारी है यह अच्छी गेंद बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया ना फ्रंट फुट पर ना बैकफुट पर बीच में ही रह गए उदय लेकिन गेंद को खेला जरूर और एक ओवर की अब यहां पर हुई समाप्ति एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 5 रन एक विकेट के नुकसान पर अब गेंदबाजी पर देखना है किसे आमंत्रित करते हैं नवीन और यहाँ पर अच्छा शॉट लेकिन रन शायद एक ही देखे जाएगा दूसरा ध्रुव चाहते और ये खतरा ये ध्रुव आप क्या कर बैठे इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच यू लूज योर विकेट बाय रन आउट ध्रुव बता दूं आपको कुछ समय पहले जो मुकाबला हुआ था आज के दिन में शायद सुबह का मुकाबला था उसमें भी वो रन आउट हुए थे और एक अच्छे क्रिकेटर रन आउट होकर जब बाहर जाते बड़ा दुखदाई वो मोमेंट होता है उस क्रिकेटर के लिए क्योंकि वो जानता है
बड़ा ही शानदार वहां पर प्रदर्शन, एक और रन यहां पर, तो एक एक रन यहां पर जरूर आ रहा है। और दूसरे का प्रयास किया था पिछली गेंद पर, तो दूसरे का प्रयास वहां पर महंगा साबित हुआ और विकेट मिल गया। अब अजय अग्रवाल, स्कोर है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर विकेट कीपर संकेत शायद वहां पर है, वह भाप गए थे कि बल्लेबाज किस प्रकार का शॉट खेलना चाह रहे थे। तो अब 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा, तो शायद अगर अजय अग्रवाल उस गेंद को कनेक्ट कर लेते तो संकेत जो है उन्होंने अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर यूज किया था। फिलहाल तो जो अब तक इन 2 ओवरों में घटा है, जो चल रहा है, इक्का दुक्का रन ही अभी तक बने हैं, 2 विकेटें भी वहां पर खोई है। एक कैच आउट होने वाले बल्ले, एक कैच आउट हुए और एक रन आउट। तो अब की बार स्ट्राइक पर होंगे उदय, उदय के साथ में अजय अग्रवाल, गेंदबाजी पर है नवीन। ये गेंद और यहां पर कॉट बिहाइंड की हुई है अपील, कॉट बिहाइंड की अपील हुई है, लेकिन देखना होगा अंपायर का निर्णय यहां पर क्या आता है, और उन्होंने इस अपील को नकारा है। तो ये नॉट आउट रहेगा और उदय अपने क्रीज में मौजूद रहेंगे। डॉट बॉल होता हुआ, गेंद काफी बढ़िया थी। ये अच्छी गेंद और बेहतरीन स्टॉप और रन आउट का मौका, लेकिन बेल्स डिसलॉज नहीं हुए, ये और बहुत बड़ा झटका हो सकता था। तारीफ होगी उस गेंदबाज की कि इतने कम समय में गेंद को रोका और रोकते ही थ्रो भी कर दिया। दुर्भाग्यवश ये गेंद शायद विकेटों के जो नीचे है वहां पर लगी भी थी, लेकिन बेल्स डिसलॉज नहीं हुई, बेल्स नहीं गिरी, नहीं तो खतरा हो सकता था। अजय अग्रवाल इज बैक ऑन स्ट्राइक। यहां पर खिलाड़ियों के सहारे मोड़ा है, 1 रन दूसरे के लिए निकल चुके हैं और बड़े ही शानदार ढंग से 2 रन पूरे। और यहां पर सब कुछ होता हुआ, प्रयास था कि फील्डिंग साइड पर दबाव बनाया जाए तो जिससे एक और रन निकाला जाए, लेकिन नहीं, थ्रो अच्छा, कलेक्शन अच्छा, तो शायद अब ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर के समाप्ति के बाद अब स्कोर हो चला है 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 57 रनों का लक्ष्य है, 57 रन हमने देखे हैं कि पावर ओवर में एक बार 48 रन भी बने थे और हमने एक मेडन ओवर भी देखा है, तो कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। फिलहाल तो 2 ओवरों का हुआ है खेल समाप्त, 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सागर गेंदबाजी के लिए आए हैं और एक और बहुत ही क्लोज कॉल, अच्छा रन, लेकिन यहां पर उदय एंड अजय का एक और रन यहां पर जोड़ा जाएगा, कुल स्कोर में जा पहुंचा है रन संख्या 12 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ये अच्छा ड्राइव, ऑन ड्राइव जिसे हम कहेंगे, 1 रन दूसरा जरूर वहां पर दबाव बनाने का प्रयास जरूर था, लेकिन कोई दबाव वहां पर लिया नहीं खड़े खिलाड़ी ने, एक और रन जोड़ा जाएगा। और ये हवा में चली गई थी क्वेश्चन के लिए, एक रन मिला और एक से ही करना होगा संतुष्ट। नवीन वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने अच्छे ढंग से इसे रोका। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, 3 गेंदों में 3 रन बने हैं। फिर एक बार अच्छा ड्राइव और यहां पर फुटवर्क, आमतौर पर फुटवर्क जो है वो बल्लेबाज दिखाता है, लेकिन अब की बार गेंदबाज की थी बारी। 4 गेंदें 4 रन अब तक, यू रहा है विश्लेषण इस ओवर का। अगली गेंद उदय के लिए, बढ़िया ड्राइव, इतने तेज ये गेंद खेली थी कि वहां पर खड़े खिलाड़ी को मौका भी नहीं मिला इस गेंद को रोकने का। 4 रन मिल जाएंगे, बहुत देर बाद यहां पर बाउंड्री,
फुल टॉस कर बैठे और शायद यहाँ पर और रन बटोरे जा सकते थे। एक रन मिला, दूसरा भी मिला, बढ़िया। एंड वन शॉट रन, तो यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। इतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के बाद एक रन कम किया जाएगा आपके कुल स्कोर से। शॉर्ट रन होने के कारण अब 18 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता। नाउ 37 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 18 बॉल्स। चलिए अब गेंदबाजी पर। किरण ने इनको शायद बुलाया है। अजय अग्रवाल इनके सामने हो गए किरण। ये गेंद और यहां पर नम्रता जी इनके पास ये गेंद आई है और रोका जरूर है और यहां पर तीसरा रन भी पूरा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। अजय अग्रवाल अभी भी शायद मूड में है चौथे रन के। तीन रन यहां पर पूरे किए, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 17 गेंदे 34 रनों की आवश्यकता। किरण है गेंदबाज। ये गेंद और यहां पर सीधा जाकर लगी थी स्टंप्स के ऊपर जो बॉलर के पास है। तो एक और रन यहां पर, अगर ये स्टंप्स पे नहीं लगती तो शायद चौका भी हो सकता था, या फिर अगर गेंदबाज का हाथ उस पे लग जाता तो रनआउट का भी संभावना बन सकती थी, लेकिन ये तो बीत गया। अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं। अगली गेंद किरण इनकी सामना करेंगे अजय अग्रवाल। रिवर्स स्वीप प्रयास किया था, कनेक्ट इस बार भी नहीं हुआ। रन हालांकि वहां पर ले रहे हैं, बखूबी वहां पर रन चुरा रहे हैं। गेंदबाजी भी सदी हुई है वहां पर अब तक। ये अच्छा शॉट और ये चार रन देकर जाएगा उदय को। उदय एक ओवर के बीच में ऐसा एक शॉट निकाल रहे हैं जिससे प्रेशर रिलीज हो। अब तक तो गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन अभी विकेट की तलाश करनी होगी। ये बहुत ही तेज खेला था, लेकिन चट्टान की तरह वहां पर खड़े थे गेंदबाज। ये डॉट बॉल हो जाएगा। फिर एक बार यहां पर ऑन साइड पर खेला है और यह चौका नहीं होना चाहिए था जो हो गया है। यह शायद रुकना चाहिए था, लेकिन अब प्रेशर रिलीज होता हुआ हल्का सा। अब हम साथी स्कोरर जो हमारे वहां पर बैठे हैं उनसे जानना चाहेंगे इक्वेशन क्या है, कितनी गेंदे शेष, कितने रनों की आवश्यकता। ये आ गया 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पावर ओवर अभी भी शेष, तो 12 गेंदे 24 रन, 12.00 की रन गति से यहां पर रन बनाने हैं। और अजय, और यह पावर ओवर शायद लिया गया है, अंपायर इसकी पुष्टि करे। पावर ओवर है, ओके, तो पावर ओवर लिया गया है। तो इसी ओवर में ये प्रयास रहेगा कि जितने पास जा सके या फिर खत्म तो कर सके, खत्म हो तो खत्म भी करना चाहेंगे। लेकिन गेंदबाज भी अब खुद एक्सपीरियंस, संकेत है गेंदबाज। और ये गेंद पहली
अटेम्प्ट में गैदर ना कर सके और एक ही रन मिला। और शायद अजय जी यह कह रहे हैं कि मैंने देखा कि शायद चौका गया हो तो इसलिए मैंने दूसरे का प्रयास नहीं किया। बढ़िया, एक रन पहली गेंद पर। संकेत टू उदय, एक और रन यहां पर जोड़ा जाएगा। स्क्वायर लेग के जाने भी इस गेंद को ढकेला था। पावर ओवर के पहले दो गेंदों में दो रन बने हैं। अगली गेंद संकेत की और यहां पर कट कर दिया है। यह बेहतरीन रोका है, बढ़िया रोका है, दो रन अपने टीम के लिए बचाए हैं, बिल्कुल बचाए हैं, नहीं तो बिल्कुल गैप में थी। तो ये पावर ओवर होने के कारण दो के हो जाएंगे चार, लेकिन तारीफ उस खिलाड़ी की भी होगी जिन्होंने इसको रोका। बढ़िया फील्डिंग, हल्के हाथों से इसे ढकेला था, एक रन मिला है, दूसरे का प्रयास नहीं हुआ। समरून साइड ला थोड़ा, तो चलिए अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं। संकेत टू दई, ये गेंद प्ले डाउन हो गए थे, रन के लिए निकल चुके हैं और रन पूरा भी कर लेंगे, लेग बाइस के रूप में आएगा, लेकिन ये रन आना जरूरी था क्योंकि ये डबल हो जाएगा। संतोष दादा कुठे जिते कुठे असतील, संतोष जपतरी अपन जिते कुठे असाल अपन लवकरात लवकर कमेंट्री बॉक्स कडे यायचे। प्रीतिश जी आपली वाट बघतायत। संतोष दादा, तो चलिए मैच की ओर लौटते हैं। शायद अब सात गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। संकेत टू अजय, ये गेंद और यहां पर रन आउट का मौका गवा दिया, साथ में सिंगल भी दिया। सिंगल का मतलब हुआ डबल और अब ये ओवर की हुई समाप्ति। अब हम आ गए हैं आखिरी ओवर में। तो अब बता दूं आपको, इक्वेशन कुछ यूं हो चला है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। मैं विनती करूंगा हमारे साथी स्कोरर से कि वहां पर बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाए इक्वेशन जो हो चला है। छह गेंदें शेष है, छह गेंदों में जीतने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 रन जी बिल्कुल, छह गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। और अब पावर ओवर हो चला है खत्म, छह गेंदे 11 रन, मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों की संख्या अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आए हुए सभी दर्शकों का मैं ज्ञानेश्वर नरोड़े सिलेक्टेड बॉक्स क्रिकेट लीग की सभी आयोजकों की ओर से, खिलाड़ियों की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी मात्रा में आइएगा, कल और भी बहुत अच्छे मुकाबले यहाँ पर होने हैं। नॉकआउट मुकाबले कल से शुरू होने हैं, ये लीग स्टेज के मुकाबले अभी जारी है। छह में 10, इक्वेशन चेंज हो चला है, अब छह में 10, ओके, छह गेंदों में 10 रन। तो जब सात गेंदों में 12 रन चाहिए थे, आखिरी गेंद पर सिंगल आया, आखिरी गेंद पर सिंगल आया जो डबल हुआ पावर ओवर की वजह से। छह गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता, छह गेंदे 10 रन, और गेंदबाजी का जिम्मा देखना है किसके कंधे डाला है। अब अजय अग्रवाल स्ट्राइक पर होंगे, हर्षल, छह गेंदों में 10 रन डिफेंड कर पाते हैं या नहीं, ये छह गेंदे बताएंगी। उदय और अजय इन दो बल्लेबाजों की भी तारीफ होगी क्योंकि बहुत देर से वहां पर डटे हुए हैं। हर्षल टू अजय, हियर वी गो, लास्ट ओवर, पहली गेंद और कैच नहीं लेते तो -4 हो जाता,
विकेट जरूर मिला है। तो शानदार कैच जरूर, ये कैच बहुत तेज ट्रैवल कर रहा था, फील्डिंग की तारीफ भी होगी यहाँ पर, लेकिन एक सेट बल्लेबाज को जरूर पीछे भेजा है अजय अग्रवाल, महत्वपूर्ण यहाँ पर। अब विकेट का पतन होता हुआ नए बल्लेबाज विजय आए हैं। उदय काफी देर से है लेकिन अब वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। क्या अभी भी कोई ट्विस्ट है, कौन जीतेगा ये पांच गेंदे, कहा जाएगी पांच गेंदे 10 रन। Here we go, विजय, a very fast ball. पहली गेंद विजय इनकी, ये गेंद और यहां पर शरीर से टकराई, रन आउट का नहीं नहीं बिल्कुल, अब यहां पर अंदर आ चुके थे और यहां पर नॉट आउट करार दिए गए। उदय ने काफी तेज यहां पर स्प्रिंट लगाई थी, अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया है, तो एक रन यहां पर मिल जाएगा। और अब अच्छी बात ये होगी इन टीम के लिए कि अब स्ट्राइक पर एक रन मिलेगा और उदय अब स्ट्राइक पर आए हैं। विजय विकिंग्स जीतने के लिए अब उनको बनाने होंगे। चार गेंदों में 9 रन, चार गेंदे 9 रन, खराब गेंद और यहां पर अगर ये बाउंड्री चली जाती है, ये गेंद काफी आपने शरीर पर कर दी, इतनी अच्छी गेंद और ये भी रुक सकती थी शायद, दोनों ही खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए थे। 4 रन और वो भी इतने महत्वपूर्ण समय में आते हुए उदय के लिए, 3 गेंदे 5 रन, हालांकि मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 3 गेंदे 5 रन, उदय स्ट्राइक पर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, टाई भी हो सकता है ये मुकाबला, कोई भी टीम जीत भी सकती है। हल्के हाथों से खेला, 1 रन यहां पर मिला, दूसरे का होगा क्या प्रयास, नहीं हुआ है। 2 गेंदे 4 रन, 2 गेंदे 4 रन, 1 गेंद भी यहां पर, अगर ये गेंद डॉट आती है तो आखिरी गेंद पर हम आ जाएंगे, अगर इस पर चौका आ जाता है तो यही पर समाप्त हो जाएगा। और टाई भी हो सकता है, देखिए ये गेंद और ये 1 रन मिलेगा। गेंद बिल्कुल अच्छी, इतनी अच्छी नहीं थी और अच्छे पाले में भी आई थी। अब हम आ गए हैं आखिरी गेंद के ऊपर, क्या बात है, और ये पहला मुकाबला है कल से लेके आज, इतने जितने मुकाबले हुए आखिरी गेंद पर आया है, 1 गेंद में 3 रन, बहुत बढ़िया, सब कुछ हो सकता है यहां पर। और यह चीज अच्छी हुई है अब विजय विकिंग्स के लिए कि स्ट्राइक पर उनके खिलाड़ी जो मौजूद थे बहुत देर से, वह अब वहां पर है। आता पर्यंत जितके ही मैचेस झाले आहेत ही पहिली इतकी मैच आहे की शेवटच्या बॉल पर्यंत झाली आहे। ये आखिरी गेंद है, 1 गेंद में अब ये क्या होगा, ये गेंद, एक गेंद में 3 रन चाहिए, 1 गेंद में 3 रन, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो क्यों पता नहीं लग रही है कि टाई की ओर बढ़ रहे हम, और अगर होती है टाई तो दर्शकों दिल थाम के बैठिएगा, सुपर ओवर आएगा आपकी ओर। आखिरी गेंद, 1 गेंद 3 रन, हियर वी गो। ये
अब यहाँ पर ग्राउंड के बाहर हालांकि हल्की सी वातावरण में जो एटमॉस्फेयर में नमी है, लेकिन अंदर देखिए बहुत गर्मा गया है माहौल। अब यहाँ पर अंपायर क्या डिसीजन लेंगे? ये गेंद 3 रन और ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है, मुकाबला समाप्त नहीं हो रहा है, देखना होगा। आणि पंचांचा निर्णय, अंपायर का डिसीजन यहाँ पर नॉट आउट आ रहा है। तो एक गेंद ये बची रहेगी, एक गेंद में 3 रन बनाने होंगे सामने से। कृपया एक गेंद 3 रन, अभी भी खेल वहीं पर रुका हुआ है, कुछ क्षणों के लिए जरूर यहाँ पर रुक गया था, अब वहीं से हम शुरू करेंगे। एक गेंद 3 रन, फिर से वहीं पर आते हुए हम स्कोरर तो देखिए अब शायद ये रिप्ले आप देख सकते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। लगभग गेंद डिलीवर कर रहे थे, डिलीवरी स्ट्राइड जो होती है आखिरी गेंद हाथ से निकलते समय वहां पर वो गेंद जी हाँ, रिप्ले में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गेंद छूटते समय उन्होंने अपने आप को रोका और फिर जाकर बेल्स बिखेरी थी, जिसके चलते इसे नॉट आउट दिया गया था।
तो यहाँ पर हम फिर से वहीं पर आ गए हैं जो पर कुछ क्षणों पहले थे। एक गेंद तीन रन, उदय विल रिमेन ऑन स्ट्राइक। ओके, तो रिप्ले आपने सभी ने देखा। अब चलते हैं लाइव मैच की ओर। एक गेंद तीन रन, वहां पर लक्ष्य कोई खास बड़ा नहीं था, लेकिन ये मुकाबला महत्वपूर्ण है, इसके चलते यहाँ पर यहां तक हम आए हैं। एक गेंद तीन रन, हियर वी गो। ये गेंद पांच रनों पर जा पहुंची है, पांच रन, पंजा लगा दिया यहाँ पर और यहाँ मुकाबला जीत लिया है विजय विकिंग्स। कहां से कहां आ गए, देखते देखते देखिए, ऐसा लगा था गेंद जब हवा में थी ये छह रनों के लिए जाएगी, माइनस चार करके जाएगी, लेकिन बाद में जब नीचे देखा विजय विकिंग्स के, और पीछे देखा तो पांच रनों का बोर्ड लगाया हुआ था। और कौन है उसके स्पॉन्सर्ड, स्माइलिंग नीज, डॉक्टर मनीष चौधरी इनका। तो पांच रन यहां पर दे दिए और मैच को जीत लिया। लेकिन क्या शानदार ये मुकाबला रहा, क्या शानदार ये मैच रहा, बहुत बढ़िया।